हाँ तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मेरे पास देख सकते हैं यामा FZ है। ये गाड़ी हमको इतना परेशान कर दी है पहले कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसलिए मैं इसको आपको पहले दिखा नहीं पाया, इसका जो लाइट ब्लिंकिंग हो रहा था वो दिखा नहीं पाया। इस चीज़ के लिए सॉरी बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले खुद कन्फ्यूज़न में था कि मैं सोचा कि पहले इसका बीमारी रिसर्च कर लूँ। मेरा कोई वीडियो बनाने का इरादा नहीं था, मैं इसको वीडियो नहीं बनाता, मैं खुद सोल्यूशन करके खुद इसको सॉल्व कर देता। लेकिन अभी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये गाड़ी जो है ना, बहुत बार ऐसी गाड़ियाँ बहुत परेशान करती है। बीमारी कुछ नहीं है फिर भी गाड़ी बहुत बार बहुत ज़्यादा बीमारी बता देती है। अभी जो इसका आप डिस्प्ले लाइट बंद देख रहे हैं ना, तो इससे थोड़ी देर पहले ये डिस्प्ले लाइट जो है ना, इसमें लाइट था, ठीक है, इसमें लाइट था। वो जो माल फंक्शन लाइट है, FI वाला लाइट होता है, वो ब्लिंक कर रहा था, अप डाउन कर रहा था। तो हम सोचने में लगे थे कि इसका कोई सेंसर वेंसर ख़राब हो गया होगा या सेंसर कहीं से खुल गया होगा। तो हम उस बीमारी को ढूंढ रहे थे, ठीक है, उसको ढूंढ रहे थे। बहुत बार हम रिसर्च किए, बहुत ढूंढे, लेकिन सेंसर वेंसर हर तरफ से हमको सीख ठीक मिला, ठीक है। सेंसर सारा ठीक था, इसमें सेंसर का कोई इशू नहीं था, फिर भी हम बहुत ज़्यादा परेशान। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो इस गाड़ी में एक्चुअली में होता क्या था कि गाड़ी कुछ देर चलती है, उसके बाद बैटरी इतना चार्ज हो जाता है कि हॉर्न बजाओ, सेल्फ लो, 10 बार सेल्फ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाए, बैठ गई अगर गाड़ी, फिर चाबी ऑन कर दीजिए, उसमें क्लिक क्या होगा, ये न्यूट्रल लाइट बंद, डिस्प्ले बंद, और सिर्फ वो जो माल फंक्शन लाइट है वो खाली ब्लिंक करने लगता था। तो इसका मतलब यही था कि कोई बीमारी है। हम बहुत ज़्यादा इसका बीमारी को ढूंढे लेकिन मिला नहीं। तो फाइनली अभी अचानक से मैं इसको पैनल खोला, पैनल खोल के बैटरी पे हाथ गया जिस तरह से, तो मैं देखो बैटरी इतना ज़्यादा हीट हो गया है। बैटरी जो हीट हो गया है, तो इसका बैटरी हीट होने के बावजूद अभी जो आप बैटरी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बैटरी पूरी तरह से डेड हो गया है, बैटरी अभी फुल चार्ज है, मतलब बैटरी फुल चार्ज है। इसका हॉर्न भी काम कर रहा है लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब अटपटा सा बीमारी था, इसको समझ में नहीं आ रहा था, तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो फाइनली हमने सोचा कि एक दूसरी गाड़ी का बैटरी, मेरे पास दूसरी गाड़ी खड़ी थी, तो मैं उसका बैटरी लगा कर चेक किया कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि माल फंक्शन लाइट जलने का मतलब होता है कोई सेंसर वेंसर ख़राब हो, लेकिन इसमें सेंसर का कोई ख़राबी नहीं था। मैंने इसका बैटरी चेंज किया, जैसे देख सकते हैं आप, बैटरी चेंज करके फाइनली अब जो डिस्प्ले में देखिए आप, तुरंत ही लाइट चला है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसमें आपको जानकारी कुछ नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि जानकारी लाइक कुछ है ही नहीं, बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये कन्फ्यूज़ कर देती है गाड़ी, ठीक है। गाड़ी कन्फ्यूज़ कर देती है, तो हमको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमको गाड़ी का सोल्यूशन निकालना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा नहीं होता कि गाड़ी आपको अगर मतलब FI वर्जन है, इसमें सेंसर टाइप है, तो जितना बिलिंग करती है तो सेंसर ही ख़राब होगा। बहुत बार गाड़ी खुद कन्फ्यूज़ हो जाती है और हम लोगों को भी कन्फ्यूज़ कर देती है। इसका सेंसर वाला बिलिंग कर रहा था लेकिन इसका देखिए बैटरी प्रॉब्लम है, और डिस्प्ले में लाइट नहीं आती थी फिर भी हॉर्न बजता था। तो मेरा ये वीडियो में बताने का मकसद है कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और अभी आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको एक तरीका और बताता हूँ, गाड़ी अगर आपकी स्टार्ट नहीं होती है, बैटरी डाउन हो जाता है, तो आपको किस तरह से स्टार्ट करना है, क्योंकि इस गाड़ी में किक नहीं है, ठीक है, सेल्फ से आपका स्टार्ट होगा नहीं। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है कि गाड़ी का जो है ना, पहले 3 गियर में लगा देना है गाड़ी को, ठीक है। 3 गियर में लगा देने के बाद उसका जो व्हील है, अगर आप RPM को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दीजिए, अगर नहीं तो जो FI गाड़ी होती है उसका RPM उससे थोड़ा हाई होता है, या फिर किसी को एक्सेलेटर पकड़वा दीजिए। तो आपको क्या करना है, उसको जो है ना 3 गियर में लगा करके व्हील को जो है ना थोड़ा ज़ोर से घुमाना है, ठीक है। ऐसे जोर से खाली पकड़ के घुमा नहीं देना है, उसका जो है ना पहले कंप्रेशर तोड़ना है, उसका जो कंप्रेशर होता है कंप्रेशर को थोड़ा सा तोड़ के उसके बाद जो है ना झटका मार के गाड़ी को आप व्हील को घुमाइए, आपकी गाड़ी तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी हम स्टार्ट करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका RPM थोड़ा लो था इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा था, हम इसका RPM बढ़ा दिए हैं। अभी देखिए जो आप गाड़ी किस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आइकन को बजा के रख सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करूँगा आपको मिल जाएगा। हालाँकि इस वीडियो में ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो तो नहीं था ये, लेकिन मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मेरा बताने का सिर्फ यही मोटिव था कि आपको जो है तो जो गाड़ी कन्फ्यूज करती है उसमें भी आपको सोल्यूशन जो निकालना है बिल्कुल अच्छे दिमाग से आसानी से निकालना है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।